देवर जी समझा देवे ससुराल गेंदा फूल। खसखस या पॉपी सीड पोस्तो, इसका चार मगज मेलन सीड का पाउडर बना के पेस्ट बनाना है। मस्टर्ड ऑयल पे कलंजी, काला जीरा, नाइजर सीड, हरी मिर्च, ये बॉडी को ठंडा करते हैं इसलिए ज्यादातर यूज होता है वेज रेसिपी में। बहुत सारे अनियन, सब सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा इस टाइम पे। इसको देखे धीमी आंच पे फ्राई करना है, जो पेस्ट बनाया था वो देखे, और थोड़ा सा भूनना है सॉल्ट अंदाजा से। ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी दे के भी थोड़ा सा पकाऊंगी, मतलब जो कच्चा खुशबू है खसखस और इसका मगज का वो चला जाए। ये जब इस तरह से एकदम ड्राई ड्राई हो जाएगा गैस ऑफ करके, कच्चा मस्टर्ड है आपका पसंद के हिसाब से, अगर पसंद नहीं है तो नहीं दे सकता। लेकिन और ये जो मिर्ची है उसको थोड़ा हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो बताना जरूर। अभी मैं बालकनी में आके चिल कर रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा भी बैंक में कुछ काम करने गए हैं बाहर, तो अभी चिल करते हैं बाहर। मैं अपने फ्रेंड के साथ कू कू कर रही हूँ। बाहर कितना धूप है देखो, मेरा स्कूल खत्म हो गया तो मैं चिल कर रही हूँ, मुझे बाहर जाने का मन हो रहा है लेकिन नहीं। बैंक आया था, पूरा चारों तरफ खाली है, ऐसे भी मतलब 11 बजे के बाद कुछ काम नहीं हो रहा, मतलब दुकान वगैरह बंद है। आज से तो पूरा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा रात से, तो वही अभी क्योंकि अचानक बैंक से फ़ोन आया था तो मैं अचानक संतरु को बोला, संतरु का छुट्टी है थैंक गॉड, नहीं तो गाड़ी मतलब नहीं मिलता, एक प्रॉब्लम हुआ था तो उस वजह से आना पड़ा। कितना स्प्रे लगाएंगे क्योंकि बैंक में आना, वो थोड़ा जो बैंक में काम करते हैं उनको लिटरली हार्ड सॉफ्ट हुई क्योंकि वो डेली बेसिस पे, अभी तो 2 बजे तक है तो फटाफट दौड़ के आई मैं, बोलूँ अभी गेट पे बंद भी हो गया, खाना बना लिया था थैंक गॉड, नहीं तो हालात ख़राब हो जाता। गर्मी रे बाबा, और गर्मी भी, हाँ मेडिकल की दुकान खुला है ना, और कौन सा दुकान है, आज तो कोई दुकान खुला नहीं है, ऐसा भी दुकान तक 11 बजे के बाद बंद है। चारों तरफ खाली, गराज वाला थोड़ा सा है, सुनसान एकदम। के फटाफट चावल को धोने के लिए दिया है, चावल बना के नहीं गए थे, बाकी सब्जी वगैरह सुबह में बना लिया था। तो अभी शांतनु बोला फिर से चाय बनाओ, 2 बजे चाय पी रहा है, सोचो मतलब शांतनु का दिमाग में कुछ चल रहा है। वैसे ही होता है, अभी उनका भी ऑफिस में कुछ ऐसा वैसा पता चल रहा है, तो क्या करे, लाइफ को देखो दुखी होके और वो सब करके कुछ फायदा नहीं, जितना हंसोगे स्माइल करो, हमेशा स्माइल करो। तो सुबह में शांतनु ने लिखा चाय पिया था, तुम जाओगे नहाने, ये देखो नहाने नहीं गई है, सुबह में तो पानी देकर नहा के आ जाती है एकदम कौवा जैसा नहा के आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं 7 बजे थोड़ी एकदम अच्छे तरह से नहा के, ऐसे भी 7 बजे नहा के ना फिर से वो चिपचिपा जैसा होता है। अरे ऊपर में ठक ठक करके इतना आवाज आ रहा है, दोपहर का 2 बजे का चाय का आप लोगों का स्वागत है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से बंदू रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना, इसके जैसे ये बहुत खुश रहा है इसीलिए बोलता है ना अच्छा। अरे नहीं हाँ ऐसा तो भोंदू मीन्स अलग होता है, कुछ भोंदू मीन्स जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है ऐसा हिसाब से नहीं जाना चाहिए, उसका इनर मीनिंग सोच। माता जी समझा, माता जी नहीं सारे भक्त बैठे हैं समझने वाले है, वो समझ जाएंगे। आज का तामझाम में है ये अनियन वाला पोस्तो है, और ये है आज एक मिक्स वेज बनाया है मैत्री ने, पम्पकिन, कॉलीफ्लावर, आलू, ये सब दे के एक मिक्स वेज टाइप का है, और शुद्ध देसी गाय का घी। कारपेट वगैरह धोया था वो सारे सूख गया है, और ये स्टूल के ऊपर मैं इस टाइप का छोटा छोटा जो रग होता है वो रखती हूँ, और ये 10 दिन में एक बार करके धो लेती हूँ। और यहाँ पे जो भी सामान रहता है, स्वीटी का चश्मा था वो सटीक जगह पे रखना चाहिए, और यहाँ पे जो कारपेट है ये मैं नीचे वाला मैं धोती नहीं हूँ उतना, 1 महीना में धोती हूँ, और ये बहुत जल्दी जल्दी धोती हूँ क्योंकि नीचे वाला ना मोटा टाइप का है, ये जो वाला लाइट नहीं है तो फ्यूज हो गया, ये वाला फ्यूज है तो अभी सब सब बंद है हार्डवेयर। अरे वो मैंने सोचा बैंक जाते हैं अगर कोई दुकान खुला, दुकान तो ऐसा खुला नहीं, ये वाला फ्यूज हुआ था तो यहाँ का खोल के लाइट एसेंशियल में नहीं आएगा। मैं वही तो सोच रहा हूँ बल्ब वगैरह तो चाहिए ना, अभी किसी का घर अंधेरा हो गया तो अपना वो चाय का जो ग्रीन टी वगैरह होते हैं। अच्छा रोज टी के साथ व्हाइट टी हजम वाला कुछ, और ये क्या पेपरमिंट, पेपरमिंट के साथ ग्रीन टी, ये व्हाइट टी। अच्छा पेपरमिंट के साथ व्हाइट टी, ये मेरा और ये शांतनु का। और मैं क्या खा रही थी पता है, आमला कब का लाई थी मैं शांतनु को, बोला खा लो नहीं तो फंगस हो जाए, ये ड्राई आमला होता है ना, ये वाला देखो गोल गोल एकदम, ये तो एकदम गोल जैसा,
खा लो आप लोग भी, आंवला खा लो, हजम करो। पहले वो डब्बे में था ना तो पता नहीं चला था, इसीलिए आज का डब्बा अच्छा होता है, एटलीस्ट बाहर से दिखता है क्या चीज, नहीं तो वैसे लिख लिख के रखना पड़ता है। स्वीटी का ग्लव्स देखो, एक ही है वो भी, वाह वाह, स्वीटी का इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अरे ये सो रहा था, खराट लेके सोता है, उसके बाद बोलेगा क्या, हाँ ऐसे आवाज के ऐसे सोएगा, उसके बाद क्या बोलेगा पता है, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, तुम लोग टेस्ट कर रहा, टेस्ट कर रहा था, मैं सोया ही नहीं, मैंने सिर्फ, अच्छा तुम सिर्फ नाक डाक के मतलब एक्टिंग कर रहे थे, और कभी उसका मुंह से आप निकाल नहीं सकते हाँ वो सो रहा था। सिटी बुक्स पढ़ रही है और हम लोग डायपर पे चर्चा कर रहे थे, क्या करें भी लॉकडाउन पे माइंड को थोड़ा इधर उधर भटकाना पड़ रहा है, क्योंकि वो सब टीवी न्यूज देखना नहीं है, देख देख के दिमाग खराब हो गया। डायपर, स्वीटी कितना डायपर पहनती थी, उसके बाद साथ में याद दिलाया डायपर वाले दुकान से वह होम डिलीवरी करके जाते। प्लांट का जो जो फूल हो गया ना वहां से काट रही हूँ ताकि नया नया जो फूल है वो आए। शाम का 5:30-6 बज रहे, मैं पौधे में पानी देने आई थी, क्योंकि गर्मी में अभी उसका पानी ना दूं ना तो बेचारा सुस्त हो जाता। और ये आपको देख रहे हैं ये बीच जैसा स्टार फ्रूट जैसा, ये स्टार फ्रूट जैसे कैसा हुआ, क्या है ये, दो जगह पे यहाँ पे हुआ है, फल जैसा कुछ लग रहा है, मैंने तो इसका कभी फल नहीं देखा। हाँ बीज है अंदर में, मेरा मास्क एकदम मैचिंग है, एकदम मैचिंग मैचिंग, चारों तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर का भी शॉर्टेज चल रहा है ना, इसलिए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी चार्ज करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। है ना, टीवी में देख देख के ना इतना मतलब तो दिल और दिमाग कुछ अजीब ही फील हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, इधर यहाँ पे कोई आता नहीं है उतना ज्यादा, देखो कितना सारा ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इतना लाइट में चंदा मामा भी निकल गया, देखो कितना लाइट, देखो ये लेकिन चंदा मामा का लाइट नहीं है, इनका कलर देखो, वाह इसे कहते हैं कलर, एक एक टाइम पे चेंज हो रहा है। शांतनु आया था किस लिए पता है, गाड़ी को स्टार्ट करने, स्टार्ट नहीं हुआ था कल ऑफिस जाते समय, फिर से देखो किधर बैठा हुआ, कल ऑफिस जाते समय फिर से मिस्त्री को बुलाया था, फिर से जम्प स्टार्ट किया था, तुम उसको ठीक कराओ, किसी दिन देखना ऑफिस आते समय ना हो जाए। I know, wondering why I'm so all alone. You're showing me all of your best. थोड़ा सा बाहर गई तो माइंड थोड़ा सा ठीक लग रहा था, नहीं तो मेरा 2-3 दिन से ना वही न्यूज देख के माइंड मेरा इतना खराब लग रहा था वो, लेकिन अभी आके वही चाय बनाना, स्वीटी अपना दूध जो गर्म कर रही है वो सारे, आप सब कैसे हो बताना जरूर। सुबह में शांतनु ने पानी भरा था, इसको बोलना भूल गए थे, मैं ही भरती हूँ तो उसको याद नहीं था, सबको चॉकलेट पसंद, उसको चॉकलेट ड्रिंक पीना है। ये बाल्टी मेरा बहुत काम का हो रहा है, वो बाल्टी हाँ नहीं, ये खाना बनाने के लिए पानी इसमें रखती हो ना, मम्मी कुएं से पानी लेकर, हाँ मैं कुआं खोदूं, पहले खोदना तो पड़ेगा, इधर इधर ही खोद लो, हाँ ऐसे ऐसे करने से, ऐसा स्वीटी के हिसाब से ऐसे ऐसे करने से कुआं खोदना, पानी निकल जाए, हाँ हाँ हाँ। पूजा हो गया, पूजा करके मन में एक अच्छा फीलिंग्स आता है, देखना मतलब जब भी जो भी पूजा करते हैं, जो भी भगवान को जो मानते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव मतलब मन से एक खुशी खुशी फील होता है, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है ना, अभी न्यूज़ वगैरह मैं कम देख रही हूँ, क्योंकि घर का शांति पहला ज़रूरी है, न्यूज़ वगैरह देख के ना घर का शांति बिगड़ जाता है, जो भी जिनका प्रॉब्लम हो रहा है सब भगवान या ऊपर वाला जो भी जो मानते हो वो सब दूर कर दे, जल्दी से जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट रखा, क्या बी पॉजिटिव, हाँ खुश रहो, क्योंकि हमारे देखो ज्यादा वो सारे सोचना कम कर दो, क्योंकि पिछले साल बहुत सोच लिया हमने, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, किसी फ्यूचर को बारे में सोचना ही नहीं, अभी में जियो, और ज्यादा नेगेटिविटी बात रहो, किसी से भी अगर फोन पे बात करो कुछ अच्छा वाला बात करो, घर का बात है नॉर्मल जैसा बातें करते, 2-3 दिन से मेरा नींद नहीं हो रहा,
इसीलिए दीमक का दही हो रहा था, दही बड़ा हो रहा है, दही बड़ा हो रहा है। लेकिन मंदा ने फूल ला के दिया था क्योंकि शाम को सांतुना आते वक्त फूल नहीं रहता है ना, फूल वाले सारे बंद हो जाते हैं। इसके अंदर था, ये सुबह में मैंने धोया था। पत्थर पत्थर आपको बहुत सारा दिखेगा, ये सारे सेल वेल, ये सारे मतलब वही काशी बीच कहीं घूमने जाती थी वही लेके आती थी। तो ये सारे ये अंडा ये धोया, ये दोनों को धोया था। तो ये जो प्लांट है ना, धो के अच्छा लगता है। You're the one that I need. Yeah, you make me feel like there's no air left to breathe. Yeah, you make me feel like I can run on water. I'm picking up the speed. Oh, oh. Devar ji samjha deve sasuran gaenda phool. Chup chup ke sab kar liya. Tum log ka kaam karna sun raha tha. अरे ऐसा ही तो है ना गाना, तो गाड़ी, सास गाड़ी दे बे, गाड़ी ने गाली गाली दे बे, एक दिन सब तो ही जानते थे, सबको वही सोचेगा ना पहले। अरे तो सास गाड़ी क्यों देगा, सास गाली देगा। ऐसा नहीं है, क्यों सास, मैं भी तो कभी सास बनूंगी तो ऐसा क्यों सास के ऊपर गाली दोगी तुम भी। अरे लेकिन मुझे लगे सचमुच नहीं है वो। ये गेंदा फूल इंस्टाग्राम रील्स चेक करो, धमाका मिले, मतलब आप लोग सोच नहीं पाओगे। इसको देख के, ये गेंदा फूल नहीं है तो मैं इसको देख के मुझे याद है, अच्छा लग रहा है। फूल रखो, ये बेबी एप्रन स्वीटी का, स्वीटी मुझे ये दे रही है, बोली ये वाला फैन हो। ठीक है देखते हैं ये वाला, मेरा दो एप्रन ना स्वीटी ने धोने के लिए दे दिया। क्यों लग रहा है, क्यूट कहाँ लग रही हो ही नहीं रहा है इतना। हाँ बस मेरा एप्रन मतलब ये जगह बचना चाहिए, लेकिन मेरा गले पे ना एकदम अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए आधा एप्रन पहनती हूं। मेरा मम्मी क्या करती है, मतलब एक कपड़ा टाइप का बांध के, मतलब जो भी होता है वो टाइप का, नहीं तो ये मैक्सिमम ड्रेस का मैंने देखा सब बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ ये जगह देखना लाइन लाइन करके फट जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका बार बार टच होता रहता है। टिप्स एंड ट्रिक्स तो लाइक जरूर कीजिएगा। दूर सनफ्लावर ऑयल में जीरा मस्टर्ड करी पत्ता कुटी हुई जिंजर और ग्रीन चिली थोड़ा सा टर्मरिक देके तुरंत पानी दे देना है। हाथ से क्रश किया हुआ बॉयल पोटैटो चॉप धनिया पत्ता अंदाजे से सॉल्ट देके इसको थोड़ा सा भूनना है, ज्यादा स्मैश भी नहीं करना है। मतलब आप धनिया पत्ता बाद में दोगे तो उसका फ्लेवर अलग होगा और धनिया पत्ता पहले दोगे तो फ्लेवर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो, दोनों ही ऑसम लगता है। तो मैं आज धनिया पत्ता पहले दे दिया, फटाफट बनने वाला रेसिपी बस हो गया। शांतनु ने बोला ये उसको खाने का मन, ये ना इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब पूरी के साथ भी खाते हैं। हाँ पूरी के साथ, पूरी भाजी पूरी के साथ ही खाते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा थाली है और हमारी यहाँ पे पराठे चल रहे हैं। थाली के साथ ही पड़ेगा आज पराठा। आज शांतनु के हिसाब से पता है क्या है, थर्सडे को रोटी नहीं खाना चाहिए। लॉजिकली ठीक है क्योंकि हम लोग थर्सडे टमाटर बैंगन कुछ नहीं रोस्ट नहीं करते, लेकिन रोटी तो बनाना पड़ता है। तो शांतनु को मैंने ऑप्शन दिया राइस का। थर्सडे को कुछ नहीं रोस्ट करते, सिर्फ एक चीज रोस्ट कर सकते हैं पराठा बनाने में हालत खराब हो जाती है। मैया का खीर बनाया था, आलू है ये मस्त हो जाता है इसका साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है नेक्स्ट डे। वीडियो किसी भी रीजन पर अच्छा लगा लाइक जरूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। स्वीटी है so hollow, you're showing me all of your best.